हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जा रहे हैं अपने नए घर में पूजा के लिए। तो आज पंडित जी ने हमारे को हवन के लिए टाइम दिया था, तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। और हम लोग घर से ही ये बेडशीट वगैरह लेकर गए थे, थोड़ा बहुत पूजा का सामान लेके गए थे। जो भी पंडित जी ने हमारे को सारा सामान लिखवाया था, हम वो सारा सामान लेके गए थे। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड मिलके बेडशीट बिछा रहे हैं, और मेरी दोनों बेटियाँ भी मेरे साथ थी, उन्होंने भी आज सूट पहना है। और आप देख ही सकते हो, उसके बाद यहाँ पर पंडित जी ने बोला कि नहीं, आपको इस तरह से लंबी करके बेडशीट बिछानी है ताकि पूरी फैमिली अच्छे से बैठ पाए। तो हम बेडशीट को वापस से उठा के दोबारा लंबे करके बिछा रहे हैं ताकि पूरी फैमिली बैठ जाए। यहाँ पर पंडित जी ने हवन शुरू करने से पहले थोड़ी सी पूजा करवाई थी, तो फिर यहाँ पर वो पूजा हो रही है। और जितने भी भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, उन सबको यहाँ पर पूजा की जाती है, और उसके बाद शुरू हो जाता है हवन। अच्छा, बच्चे क्या होते हैं ना, हवन पूजा वगैरह इन चीज़ों में बोर हो जाते हैं। तो मानो पीहू डोडो क्या कर रही थी, फ़ोन लेके भाग जाते थे कि हम तो फ़ोन देखेंगे। तो हमने बोला कि नहीं, जो हवन होता है ना उसमें पूरी फैमिली बैठती है, पूजा में पूरी फैमिली को ही बैठना चाहिए और अच्छा भी होता है। बस यहाँ पर हवन पूरा हो चुका है, और हवन पूरा होने के बाद शुरू हो गई थी आरती। हम लोग यहाँ पर सब आरती कर रहे हैं, और इसके बाद मुझे पंडित जी ने बोला था कुछ भी मीठा बनाने के लिए, तो उसका सामान भी मैं घर से लेकर आई थी। इसके बाद मैंने गैस पे बनाया सतिया और थोड़ी सी की पूजा, और पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं सतिया बना रही हूँ, आप देख सकते हो। और पूजा करने के बाद मुझे यहाँ पर बनाना था थोड़ा सा हलवा या फिर खीर, जो भी आपका मन हो। तो उन्होंने बोला कि आप कोई भी चीज़ मीठा बना सकते हो, क्योंकि नए घर में पहली चीज़ तो मतलब मीठा ही होना चाहिए। तो पंडित जी ने बोला उन्हें कुछ नहीं खाना, आपको आप उनको बस थोड़ा सा कुछ भी मीठा दे दो मुंह झूठा करने के लिए। तो पंडित जी ने बस थोड़ा सा यहाँ पे रसगुल्ले खाए, जो मिठाई का डब्बा हम पूजा में लेकर आए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं अपने नए घर में, और आज हवन रखा हुआ था, हम लोगों ने पूजा रखी हुई थी। और पूजा करने के बाद अभी पंडित जी ने बोला है कि किसी को यहाँ पर सोना जरूरी है, और कोई भी मतलब जाने के लिए तैयार है नहीं घर पे, सबको यही हो रहा है कि यहीं पर ही रुकना है।
यहाँ पर हवन हो चुका था, तो मैंने सोचा मैं घर दिखा दूँ। हालांकि मैंने अपने लास्ट वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था जब मैं पीहू डोडो और अम्मा को लेके गई थी घर दिखाने के लिए, तो आज हवन था तो मैंने सोचा शुभ हवन में आपको भी अपने साथ लेके चलूँ, थोड़ा सा दिखा दूँ। ये है स्टडी रूम, या आप इसको स्टोर रूम भी बोल सकते हो। अब उसके बाद एंट्री है सामने ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर मैं कुछ मीठा बना रही हूँ, और मीठा बनाने में मैंने सोचा हलवे से अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। सबको हलवा पसंद भी है, और पीहू डोडो को भी हलवा ज़्यादा पसंद है, खीर इतना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर पीहू में से यही बात कर रही है कि मम्मी आपने हलवा ही क्यों सोचा, तो मैं यही कह रही हूँ क्योंकि आपको हलवा पसंद है ना, इसलिए मैं हलवा बना रही हूँ। अब हलवे में डालने के लिए मुझे चाहिए थे बादाम कूटने के लिए कुछ चीज़, तो वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने क्या किया है ना कि साबुत बादाम ही हलवे में डाल दिए। मैंने सोचा कुछ नहीं होता, कभी कभी तो इतना थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, तो खा लेंगे बच्चे। हाँ, मैंने दूध भी उबालने के लिए रख दिया है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि दूध उबल के अपने आप से नीचे गिर जाए, बट वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था क्योंकि जो डेग थी बहुत बड़ी थी, दूध कम था। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि किसी छोटी चीज़ में दूध को रख दो जिससे वो जल्दी बॉयल होके नीचे गिर जाए। अच्छा, ये चीज़ मुझे पंडित जी ने ही बोली थी कि नए घर में ऐसा ही करते हैं, तो वही मैं कोशिश कर। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ बर्तन साफ, क्योंकि ये झूठे बर्तन मैं छोड़ के नहीं जा सकती थी, और मेरे को नेक्स्ट डे शिफ्ट होना था, तो मैं यहाँ पर रुक भी नहीं सकती थी।
तो मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया और उससे चूल्हा और विम लिक्विड मंगवाया। और इसके बाद हम लोग गए अपनी मौसी सास के घर। जो मौसी सास है ना, वो मेरे घर के काफ़ी पास रहती है, मतलब मेरे नए वाले घर के बहुत ही पास रहती हैं। तो फिर हमने सोचा कि उनसे भी हम मिलते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर मेरी मौसी सास को मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो मम्मी के गले मिल रही हैं, मम्मी उनसे बड़ी हैं, वो छोटी हैं सबसे। तो बस यही है मेरे नए घर का व्लॉग हवन का। और बहुत ही जल्द हम यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। और आगे शिफ्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आई और क्या सब कुछ हुआ, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।